इतना भीड़ होता है कि आम लोगों का जान तक निकल जाता है, कई बच्चे बूढ़े दब जाते हैं इस ट्रेन में। ये देखो खोल रहे, खोल गेट। किस तरीके से लटक लटक के जाते हैं भाई, देख। अरे गिर गया, गिर। अगर आपके पास चादर नहीं है तो ये भैया के तरफ है, पूरे का पूरे रात यहीं पे काटना पड़ेगा शायद, चेकिंग वोकिंग हो रही यार। और ये देखो भाई, ट्रेन पे हमला हो चुका, इनकी परवाह नहीं है, लेकिन सबको इसे ट्रेन के अंदर घुसा है। और भाई इस ट्रेन में भीड़ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। क्या हाल चाल है दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और आप सभी का स्वागत करता हूँ बिहार के राजधानी पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल रेलवे स्टेशन से। और आप सभी को लेके जाऊंगा अपने देश की राजधानी न्यू दिल्ली, जी हाँ, वो भी अपने बिहार की सबसे बढ़िया ट्रेन में, जिसका नाम है भाई संपूर्ण क्रांति सुपर फास्ट एक्सप्रेस, जो कि हफ्ते के सातों दिन इसे पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल से न्यू दिल्ली के बीच में चलती है। और इस ट्रेन को भाई आम जनता की राजधानी भी कहा जाता है। और इस ट्रेन को आम जनता की राजधानी क्यों कहा जाता है, इसका चाल और ढाल से आप अभी देख लेंगे। दोस्तों आप सभी को ये जितना भीड़ दिख रहा है ये देख सकते हैं, सभी के सभी भाई केवल संपूर्ण क्रांति यानी दिल्ली जाने के लिए लगे हैं। 2 मिनट में आने वाली संपूर्ण क्रांति, और देखना अफरा तफरी और ट्रेन में घुसा कैसे जाता है वो आप सभी को सिखाऊंगा मैं। ये देखिए भाई, आ चुकी अपनी संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस। और भाई इसका जो भीड़ अभी देखना, 1 मिनट के अंदर जो चलना चालू होगा ना भीड़, उसका कुछ अब कहना ही नहीं है। देखना कैसे ट्रेन पे हमला होता है। ये देखो भाई, ट्रेन पे हमला हो चुका है, देखो अभी ट्रेन रुकी नहीं है। और ये देखो गेट से देखो भाई कैसे ऐसे घुसा जाता है ट्रेन को, वो देखो भाई, जान की परवाह नहीं है लेकिन सबको इसे ट्रेन के अंदर घुसा है। ये देखो दिल्ली जाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, आप इसे ट्रेन को देख रही हो, देखो बोरा लेके घुस गया डायरेक्ट ही भाई, कब कौन गिर जाए यहाँ से कुछ भी पता नहीं है। बाकी चलिए मैं आप सभी को भी दिखाता हूँ कि इस ट्रेन में कैसे घुसा जाता है, क्योंकि भाई ये आम लोगों का काम नहीं है। इस ट्रेन में इतना भीड़ होता है कि आम लोगों का जान तक निकल जाता है, कई बच्चे बूढ़े दब जाते हैं इस ट्रेन में। ये देखो ये गेट है ना, ये देखो औरत बच्चे बूढ़े इस तरीके से जा रहे हैं जिस तरीके से ट्रेन कभी गया ही ना हो। और ये देखो एक गेट का नहीं है भाई, जिस गेट पे जाओगे आपको यही हल्ला मिलेगा। और सबसे ज्यादा तो ये आगे है, ये देखो इस गेट का भाई कुछ कहना ही नहीं है। ये देखो खिड़की से भी, ये देखो ये ऐसे ऐसे भाई खिड़की से भी लोग इसके अंदर घुस जाते हैं। ये देखो भाई, इस ट्रेन का भीड़ कुछ अलग ही लेवल का है, जिसको जहाँ मिला सीट है वहीं दबक गया है। और बाकी जो नया उम्र का था या जिसके साथ बड़े बड़े आदमी थे वो तो अपना सीट पकड़ चुके हैं, और जिसके साथ कोई भी नहीं है वो भाई इधर ही कहाँ तक जाओगे भाई है? बाकी जिसके साथ कोई भी नहीं था, थोड़े कमजोर है, उनको ऐसे ही खड़ा खड़ा पूरा दिल्ली तक जाना पड़ेगा। सोच रहा था भाई इस ट्रेन में भीड़ कम होगा, लेकिन 1 घंटे पहले अभी 6 बजे से पहले और अब धीरे धीरे ट्रेन में भीड़ बढ़ रही है। देखो भाई कुछ अलग ही भीड़ है, मतलब इसमें जिसको बैठने नहीं दिया जा रहा है ना भाई, वो जब रस्ती कर करके कहीं ना कहीं अपने सीट पाने के चक्कर में। और बाकी देखिए इसे पटना के राजेंद्र नगर पे कौन आए हैं, अपने ब्लॉगर बबुआ, ये भी हमारे तरह ट्रेन जर्नी करते हैं। बाकी भाई काफी देर से वेट कर रहे थे, मतलब इसे ट्रेन का, कि मैं कब पटना में आऊं और भाई से मिल सकूं। भाई कैसा लगा मिलके? बहुत बढ़िया भैया, बहुत ऐसा लग रहा है कि मतलब जो ट्रेन में देखते हो या रियल देखते हो कुछ डिफरेंट है? डिफरेंट कुछ नहीं है, रियल वाली जर्नी होती है भैया की। बाकी जो भी जर्नी है सामने ही देख सकते हो, संपूर्ण क्रांति लगी है। बाकी अपने ब्लॉगर बबुआ भैया से मिलते हैं, क्योंकि बबुआ तो नहीं है, ब्लॉगर भैया है। और देखिए ब्लॉगर बबुआ वाले भैया हमारे लिए कितना सारा प्यार लाए हैं, कितने सारे खाने पीने के लिए चीजें लाए हैं। बाकी आप सभी केवल मिलने आया कीजिए, खाने पीने के लिए आपके भाई है ना आपके साथ है। बाकी खाते पीते हैं और ट्रेन निकलने दीजिए, धाकड़ मजा आने वाला भाई, बहुत जबरदस्त मजा आएगा। और भाई इस ट्रेन में भीड़ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, भीड़ पे भीड़ खत्म होता है। कहाँ जाओगे चाची, कहाँ तक जाइएगा? हाँ दिल्ली जाओगे, भीड़ में समझ जाओगे ना, दर्शन करने आए थे। चलिए वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। देखो भाई निकल चुका अपना इसे बिहार की राजधानी पटना से। और बाकी देखो इसे ट्रेन का जो जर्नी है ना, मेरे भाई लोगों के साथ देखो ये किस तरीके से लटक लटक के जाते हैं भाई। बाकी सब जो भाई को देख रहा है ना, ये सब भाई अभी ट्रेलर है, अभी आगे चलो पटना आएगा आ रहा है तो वहाँ फिल्म बनता है। बाकी ये जो ट्रेन है ना भाई, यहाँ से निकल जाएगा, मतलब अभी निकल चुकी है 7:25 पे, तो ट्रेन इससे पहले पकड़ना। बाकी आपको करीबन 7:55 पे छोड़ देगी दिल्ली। और ये जो जितना भीड़ देख रहे हो, ये देखो ऐसा जो
भीड़ देख रहे हो, ये ट्रेलर है, अभी इसके बाद फिल्म आने वाला है 5 तारीख से, यानी छठ जब आएगा ना, छठ दिवाली, दिल्ली से आने वाली ट्रेनों का क्या हालत होगा वो देख सकते हो। बाकी इसका तो जर्नी अब दिखाने वाला हूँ। बाकी आप सभी को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पटना आने वाला है और इस गेट से उस गेट पे जा रहा हूँ मैं, ये देखो, और यहाँ पे पूरा का पूरा गेट ही पैक था, अब खुलेगा, मतलब पटना आ चुका है और ट्रेन पैसा हमला होगा ना भाई, जैसे कि बमबारी होता ना वैसे हमला होगा। ये है भाई पटना, यहाँ पे अब देखो कैसा घटता है घटना। और भाई ट्रेन अपनी पहुँच चुकी है पटना, यानी पहला ही हॉल्ट आया है, और पहला ही हॉल्ट में आपने देखा कि क्या से क्या हो गया, तभी सोचा दिल्ली तक जाना है, क्या हालत होने वाला है। सारा का सारा गेट बंद कर दे रहा है, जिस भी गेट पर जाओगे पैसेंजर ये देखो, और सबसे ज्यादा पैसेंजर उस साइड में, क्योंकि भाई पीछे में 3-3 जनरल कोच लगी है, मतलब आगे पीछे मिला के, और जिस जो जनरल मैंने घुस पाएगा वो स्लीपर का, और बाकी ये देखो ये सब अभी घुसना इसी में चालू हो गया। चल भाई, ए भाई चल, 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 भाई साहब इस ट्रेन में चीन का लग रहा है मेट्रो, ऐसे धक्का दे देकर निकालना पड़ रहा है यार। अरे अभी पानी किसका रे भाई, चल जाने दे, कैसे आइए देखो, लेडीज को जाने दे रे भाई, चल नहीं पाइएगा दीदी आप, उम्मीद कम लग रहा है। खोल रे, खोल गेट, बल्ला से चोट लगा दिया। देखो ये ट्रेन निकला है पटना से और ऐसा हालत हो गया है ना कि ना कोई हिल पा रहा है ना कोई ढिल पा रहा है, मैं कैसे घुसा हूँ, ये मेरा दिल और आप मेरी परिस्थितियों से समझ सकते हो। ये देखो आरपीएफ वालों ने घुसा घुसा के कैसे भी, ये देखो मुंह पे बैग फेंक दे रहा है यार, ऐसा सिचुएशन हो गया है। इसे इस ट्रेन में झोला बनना चालू हो गया है, ये देखो भाई घुस जाएगा ना भाई इसमें, आज देख लेना गमछी कमजोर होता है थोड़ा सा। देखिए कागो का मुंह चूरी, अरे भाई देख, अरे गिर गया गिर गया गिर गया, अरे नहीं थामे करे भाई, ये हाँ तो टूट जाएगा भाई, मजाक मजाक होता है। माँ अरण्य देवी की धरती और वीरों का देश आरा, और भैया आरा में भी इस ट्रेन के लिए उतना ही भीड़ है जितना कि पटना में था, ये देखिए। और भाई ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है अपने घर द्वार जिला जवार यानी आरा में, और आरा में भी उसी लेवल का भीड़ है। देखो अपना ही सनोज भाई चल रहा है जो कि भीड़ तक बार हाँ, संपूर्ण क्रांति मतलब भीड़ का राजा और इसे रूट का भी राजा। बाकी बात करूँ आरा की तो भाई माँ अरण्य देवी की धरती है और आरा जंक्शन भी है, क्योंकि भाई यहाँ से देखिए अगर सासाराम गया तरफ जाना है तो ट्रेन मिलेगी और ऐसी ऐसी ट्रेनें मिलती है। भाई भीड़ देखो हर गेट पे वही है, ऐसा नहीं है कि किसी गेट पे जाओ उस गेट पे भीड़ ना हो। अब मैं कैसे घुसूंगा वो तो अब देखने वाली बात है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे पहले ही इतना भीड़ हो चुका है, तो पहले कैमरा बंद करता हूँ और घुसता हूँ। और भाई इस ट्रेन थोड़ा सा हल्का सा। और भाई बात ऐसा कि ये भाई तो सक्सेस नहीं हो पाया, इसे किधर है भाई, ये गमछा का बात नहीं देखिए, क्योंकि ये गमछा काफी छोटा हो जा रहा है सोने के लिए, वैसे अगर मैं चद्दर लेके आया था सर तो भाई चद्दर बांध के सो गया, अगर नहीं चद्दर बांधोगे ना तो दिखाता हूँ कि क्या हाल होता है अगर जिसके पास चद्दर होता है, तो दिखाना भाई कैमरा इसका। भाई हाल ये होगा ना कि अगर इसमें चद्दर या आपके पास कोई चीज सामान नहीं है तो ये संपूर्ण क्रांति है। और मैंने बताया था कि इसको गरीबों की राजधानी एक्सप्रेस क्यों कहती है, क्योंकि भाई इसका स्पीड देखते हैं, स्पीड चेक कीजिए 130 किलोमीटर के आसपास चल रही है, और राजधानी इसलिए कहते हैं ना कि राजधानी के पीछे पीछे आती है, जितना देर राजधानी लगती है इसी कारण इसी लालच में, मतलब गरीबों की राजधानी के ट्रेन में चढ़ने के लिए भाई काफी लोग आते हैं और भीड़ काफी ज्यादा होता है। तो देखो अगर आपके पास चद्दर नहीं है तो ये भैया के तरफ पूरे का पूरे रात यहीं पे काटना पड़ेगा। और ये तो एक नमूना है, और ये देखिए जितने भी लोग हैं ना केवल खड़े खड़े, अब ये जिसको दिल्ली तक जाना है या कानपुर तक जाना है खड़े खड़े 12 घंटे का सफर करेगा, क्योंकि भाई ये ट्रेन ही अपने जानी जाती है इस भीड़ के लिए। और ये देखो इधर भी देखो भाई, इधर 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 हाँ इधर देख लो, अब ठीक है, अब ठीक है ना, तो गेट पे ही रहेगा जब तक उसका मन करेगा, नींद लगा गेट से बाहर।
तो सबसे सेफ और खतरनाक भी कह सकता है ये जरिया है, लेकिन परिस्थितियों के हिसाब से बदलना पड़ता है। देखना भाई ये कितने डब पर से गायब हो जाता है। कहाँ से है भाई? कौन सा बैग है? कौन सा हाँ बता दे कौन सा बैग है? कैसा कलर का बैग है भाई? चल ठीक है उधर नीचे उतर दे। यहाँ लटकने के कारण हमारी हालत खराब हुई पड़ी है और कोई मजे से सो रहा है, दिखा रहा हूँ आपको। ये देखो भाई ये मजे से सो गया है, देख रहे भाई गिरने का ना डर है ना कुछ भी, आधा पैर बाहर है और आधा पैर इस पे, पता नहीं कब ये नीचे गिरेगा इन लोगों के ऊपर। रात के 12:30 बजे तक ये नीचे मिलेगा जिस हिसाब से इसकी हरकतें हो रही है। ये ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन, वो भी अपने ऑन टाइम, क्योंकि 130 की स्पीड चल रही है भाई, इससे कम तो ये ट्रेन चल ही नहीं रही है, क्योंकि आम जनता की राजधानी जो है। और ये देखो वहाँ पे कुछ ऐसा रूट बना पड़ा है, मैं चाहूँ भी तो भाई जाना बड़ा मुश्किल है। ओ भाई साहब शायद चेकिंग वोकिंग हो रही यार। और निकल चुके आपस में अपनी दीनदयाल से, और बाकी यहाँ पे पता नहीं किस चीज की चेकिंग करता, मुझे तो नहीं पता चला, क्योंकि भाई बिहार से जाते समय किस बात की चेकिंग, फिर से वही माहौल बन गया, दोनों गेट बंद हो गया और सभी के सभी लोग देख सकते हैं यहीं पे अटके पड़े हैं जहाँ पे जो अटका था। बाकी देखते हैं मिर्जापुर आएगा कानपुर आएगा, ऊपर से ही दिखा सकता हूँ भाई, नीचे का उम्मीद मत करो यार, क्योंकि यहाँ से हिलना तक मुश्किल है भाई। मैं फिलहाल मैं वॉशरूम के लिए निकला हूँ और वॉशरूम तक पहुँचना कितना मुश्किल है वो आप ये देख सकते हो, क्योंकि भाई ये नीचे आप एक भी पैर नहीं रख सकते हो, वो जो सामने वाले भाई आ रहे हैं ना उन्हीं की तरह कहीं ना कहीं सीट पे देख देख के पैर रखना पड़ेगा, क्योंकि भाई टॉयलेट तक जाना ही बड़ी बात नहीं है, टॉयलेट में जाना ही बड़ी बात होगा। बाकी देखते हम भी धीरे धीरे करके इसमें पहुँच ही जाएंगे। ये देखो भाई क्योंकि एक एक भाई पैर देख के रखना है, क्योंकि अपने ही तरह सभी भाई लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं भाई, मेहनत कुछ नहीं है, बस मैं इतना ही अवेयर करता हूँ कि आप आना कभी सोच समझ के, अकेले आ सकते, फैमिली के साथ नहीं आना, वो भी जनरल डिब्बा में कभी मत आना। जनरल में क्या, स्लीपर में भी जाना तो जनरल वाले बगल में स्लीपर में कोच बुक मत कराना, वरना रात भर नहीं सो पाओगे। इतना मेहनत और सफर करके आइएगा तो आप एक टॉयलेट तक पहुंच पाइएगा, क्योंकि भाई टॉयलेट तक पहुंचने के बाद भी कुछ खास उठा पाइएगा। देखिए अभी टॉयलेट के पास आ चुके हैं, ये देखिए और इस साइड के बाद भीड़ चेक कीजिए, हर तरफ केवल भीड़ ही भीड़ है, और अगर टॉयलेट में जाना भी है तो उसके लिए लाइन में लगे हैं भैया, पहले से उठ के रख रखे, क्योंकि टॉयलेट में जाना है, तो टॉयलेट में अगर जाना है तो करीबन यहाँ पे अब वेट करना पड़ेगा। अब कितना देर वेट करना है अब ये तो मुझे नहीं पता, और बगल में देखो स्लीपर वाला कोच है, उसको अभी अभी फिलहाल में लेके जाता भी है। ये देखो भाई स्लीपर का कंडीशन, ये देखो ये रहा स्लीपर का कंडीशन, जिसका सीट है वो भी भाई बढ़िया से नहीं बैठ पाएगा, और नीचे में बाकी देखो किसी भी दो दो आदमी से कम नहीं बैठा हुआ है। और ये रहा इस साइड का स्लीपर के साइड वाला, मतलब अगर आप स्लीपर में जर्नी करते हैं और टॉयलेट वॉशरूम जाना चाहते हैं तो भाई वहाँ तक भी नहीं जा सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जनरल वाले ही परेशान है। इस ट्रेन में स्लीपर और जनरल कहे तो दोनों का दोनों एक समान है, बाकी यही है इस ट्रेन का स्लीपर क्लास का, बाकी थर्ड एसी का समझ सकते हो, उसमें भी भाई वेटिंग वाले लोग इस रूट में काफ़ी ज़्यादा चढ़ते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी फिलहाल मैं सुबह के शायद करीबन 8 बजने वाला है, वैसे भी हम लोग दिल्ली पहुंचने वाले हैं, और बात यह है ना कि सिचुएशन वैसा ही है जैसे शुरू में बना मिला था, ये यहीं पे लटका है और बाकी जो जहां लटके थे वहीं पे, बाकी मैं थोड़ा देर के लिए इधर आया हूं क्योंकि अभी स्टेशन आने वाला है,
अभी शायद गाजियाबाद क्रॉस करने वाले हैं, लेकिन इस ट्रेन से भाई सफर करना चाहते हो तो मैं तो एक ही कहूँगा, अगर सिंगल हो और बहुत ज़्यादा मजबूरी है तो अभी इसमें जाना, बाकी ये बाल बुतरू भी कहीं ना कहीं सफ़र कर ही लेते हैं, पर कुधर पहुँच जाएँ क्योंकि आज ये ट्रेन अपनी ऑन टाइम चल रही है और ये ट्रेन जानी भी जाती है अपनी ऑन टाइम चलने के लिए, क्योंकि राजधानी के बाद अगर बिहार में किसी ट्रेन का नाम आता है तो वो अपनी संपूर्ण क्रांति है। ये देखिए, चलो भाई दिल्ली वालों थोड़ा सरपट निकलो, दिल्ली नई दिल्ली सही पकड़े हो भाई, अभी आओ आगे आओ, हाँ उतर जा, हो भाई साहब पहुंच गए दिल्ली यानी अपने देश की राजधानी, और कैसे पहुंचे वो तो आप सफर देखने के बाद आप समझ ही चुके होंगे। बाकी देखिए यही था इस ट्रेन का कंडीशन, जिधर भी देखो केवल भीड़ ही भीड़ दिख रहा था भाई, रात भर जिस तरीके से लोगों ने सफर किया है ना उसका अब कुछ कहा नहीं जा सकता। बाकी मैं बात करूँ और जर्नी की तो भाई मेरा हमेशा इसमें जर्नी एक तरीके से कहो मस्त रहता है, क्योंकि मेरा सबसे फेवरेट ट्रेन अगर कोई कहा जाएगा सबसे सुपर फास्ट में ये संपूर्ण क्रांति पहले नंबर पर आएगा, क्योंकि मैं इसे जब से कॉलेज लाइफ या स्कूल लाइफ से करते जब मैं दिल्ली में पढ़ाई करता था तभी से मैं यूज करता हूँ इसको अपने गाँव जाने के लिए। वैसे ही बाकी ओवरऑल जर्नी अच्छा था, जनरल क्लास में अगर आप सिंगल पर्सन हो अगर कोई अर्जेंट काम है तो आप इसमें आ सकते हो, लेकिन फैमिली बच्चे अगर कोई भी हो तो भाई कान पकड़ लो, मैं ही पकड़ लेता हूँ कभी मत लेके आना वरना बड़ा पछताओगे। बाकी ओवरऑल आप सभी को जर्नी अच्छा लगा तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये भाई केवल ट्रेलर था, अब 5 तारीख से फिल्म आएगा जब छठ में और दिवाली में लोग गाँव जाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं अब 5 तारीख से, जब तक के लिए जय हिंद, हमेशा मुस्कुराते रहिए हमारे साथ।